तक है मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक ही स्पॉट है जहाँ पे आपको पुरानी गाड़ियों का सबसे बड़ा मेला कह सकते हैं या फिर यू कहें सबसे बड़ा यार्ड कह सकते हैं। बस में मारुति टाटा हुंडई जी सब कंपनियों की गाड़ियां हैं। मैं एक लाख की गाड़ी देख पा रहा हूँ। हाँ। मतलब कौन सी कंपनी गाड़ी नहीं है बताइए मुझे। एक लाख रुपए से लेकर ये BMW मुझे नजर आ रही है, क्या रेट की होगी वैसे? ये 6.5 लाख की रेंज में आएगी। और नई गाड़ी लोग थोड़े से घबराते हैं पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए कि भैया कोई गाड़ी ठुकी होगी, कोई गाड़ी कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है कोर्ट वोट में, तो ये भी एक सवाल रहता है। भैया नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। कोई आपसे पूछ ले दुर्ग भिलाई रायपुर में या फिर यू कहें छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों का सबसे बड़ा व्यापार कहाँ होता है या फिर यू कहें कि सबसे बड़ा यार्ड कहाँ है जहाँ पर एक साथ बहुत सारी पुरानी गाड़ी मिल जाए। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, कि कई लोग पुरानी गाड़ियों पे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, भैया पुरानी गाड़ी खरीदनी है, सेकंड नई गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। क्योंकि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये अरोरा एसोसिएट है, पद्मनाभपुर रोड पर जेल तिराहा के ठीक आगे ये दुर्ग में स्थित है, और इनके पास जिस जगह में जिस यार्ड में खड़ा हूँ इस यार्ड में 70 से ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ हैं एक साथ। यानी कि आपको यूँ कहूँ कि 1 लाख रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक पुरानी गाड़ियों का यहाँ पर मेला लगा हुआ है जिसे लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं। और मैं भी इसीलिए, मेरे जानने की इच्छा थी कि भैया पुरानी गाड़ियों का व्यापार कैसे होता है, पुरानी गाड़ियाँ रेट तय कैसे होते हैं, बीमा इंश्योरेंस को लेकर रहते हैं, बहुत सारे सवाल है। तो आज सारे सवालों के जवाब आज मेरे साथ अरोरा जी हैं, अरोरा एसोसिएट के डायरेक्टर फाउंडर हैं अनीश अरोरा जी। अरोरा जी, मैंने जो कहा कि सबसे, मैंने जो शुरुआत में कही दुर्ग भिलाई रायपुर और छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा यार्ड होगा पुरानी गाड़ियों का यहाँ पे। हाँ, कितनी गाड़ियाँ एक साथ रहती है यहाँ पे? 65 से 70 गाड़ियां का स्टॉक है मेरे पास में, जो कंटिन्यू रहता है, एनी टाइम रहता है। कई बार 100 भी हो जाता होगा। हाँ, 100 भी हो जाता है। 100 भी हुआ है, दिवाली के सीजन समय में हमेशा हमारा स्टॉक बढ़ता है, स्टॉक बढ़ जाता है। अब तो नवरात्रि शुरू हो ही गया है, सीजन मतलब अब चालू हो ही गया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मुझे, मेरे मन में एक सवाल था, कुछ लोग मुझे पूछते रहते हैं कि भैया आपके यहाँ पुरानी गाड़ी कहाँ मिलती है अच्छी, और कितने से शुरुआत होती है, कितने तक रहती होगी, और कौन कौन सी गाड़ी रहती है, ये भी आप मुझे बताइए। हमारे पास में मारुति टाटा हुंडई जी सब कंपनियों की गाड़ियां हैं। मैं सारी कंपनी गाड़ी देख पा रहा हूँ। हाँ। मतलब कौन सी कंपनी गाड़ी नहीं है बताइए मुझे, कौन सी कंपनी की नहीं है? सभी है सर, सभी है, बिल्कुल। 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग गाड़ियां हैं हमारे पास में जी, उसमें भी हम फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल करा के देते हैं जी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक जो है आता है, भैया 1-8 लाख रुपए लेके आ गया, 50,000 रुपए लेके आ गया, वो सोचते हैं कि भैया फाइनेंस हो जाएगा, तो इस कैंपस में आने के बाद उनकी सारी सुविधाएं, मतलब उनकी सारी दुविधाएं जो है दूर हो जाएंगी? दूर हो जाएगी सर, इंश्योरेंस से लेके फाइनेंस से लेके सब चीज का रकम हमारे पास एक ही छत के नीचे इसी जगह पर, बिल्कुल। ये बड़ा सवाल रहता है, बाकी जो चार्जेस होते हैं फाइनेंस के चार्जेस, हो तो जो नॉमिनल रहते हैं फाइनेंस कंपनी के साथ में प्रोसेस है, प्रोसेस का। हाँ, हमारे पास फाइनेंसर्स यहाँ ऑफिस में एनी टाइम अवेलेबल रहेंगे जी, सब कंपनियों के चोला हो गया जी, मनापुरम, SK, AU, महिंद्रा, ये सबके प्रोसेस अलग है, सबके चार्जेस अलग है, वो डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। लोग थोड़े से घबराते हैं पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए कि भैया कोई गाड़ी ठुकी होगी, कोई गाड़ी कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है कोर्ट वोट में, तो ये भी एक सवाल रहता है, तो आपके यहाँ ये सब चीज़ें क्लियर हो? ये क्लियर आउट रहता है जी। और मैं मार्केट में लगभग, मेरे फादर जो है बिजनेस में नई नई करके दुर्ग शहर में 1975 से बिजनेस में, ये कार का, तो एक कार का, तो बाद में पहले हम घड़ी के व्यापार में थे जी, कार का 2002 से चालू किए फादर ने जी, तो इस मार्केट में गुडविल भी है। राजनांदगांव से जो भी दुर्ग में आते हैं इस रोड पे, तो गाड़ियों का जो लाइन देखते हैं अपन, राजनांदगांव, बालोद, दल्ली राजरा, कांकेर, वो लोग जानते हैं यहाँ पे पुरानी गाड़ी का बड़ा मार्केट है। मेरी ऑल ओवर छत्तीसगढ़ की गाड़ियाँ जाती हैं जी, महाराष्ट्र जाती हैं, MP जाती हैं जी, उड़ीसा तक जाती हैं, बिल्कुल। और नेम ट्रांसफर के लिए भी लोगों का हेजिटेशन रहता है कि नाम ट्रांसफर का भैया रहता है, लोग टेंशन रहते कौन आरटीओ चक्कर काटे। हाँ, तो इसके लिए भी ऑल ओवर छत्तीसगढ़ की हम गाड़ियाँ भेजते, तो ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हमारे पास एजेंट है, बिल्कुल। और फीस हम विदिन 2 डेज के अंदर में चालान काट के दे देते हैं, बहुत बड़ी। बाकी जो प्रोसीजर है वो आरटीओ की तरफ से होता है, बिल्कुल। बट एक मतलब फीस उनको, चालान की कॉपी उनको 2 दिन में, जो भी प्रोसेस होता है जो देना पड़ेगा। एक सवाल एक मन में मेरा और है कि यहाँ पे कितनी पुरानी गाड़ी होंगी आपके पास, मतलब क्या कई बार होता है ना शोरूम से निकली है और कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, चलने के बाद मेरे भेज देते, तो भी खरीदते हैं आप लोग? हाँ, मेरे पास में रिसेंटली 2 महीना पुरानी गाड़ियाँ भी आती हैं, 1 महीना 2 महीना पुरानी गाड़ी। जैसे अभी लास्ट मेरे आप वीडियो में आपको शेयर करूंगा जी, 2024 अगस्त की मैंने ग्रैंड विटारा बेची 1700 किलोमीटर चली। अरे वाह, 1 महीना पुरानी मैंने स्विफ्ट बेची 800 किलोमीटर चली जी। अगर वही गाड़ी शोरूम में खरीदने जाए तो वो जो रेट है वो तो लगेगा ही, लेकिन आप क्या लेने से थोड़ा सा 2-2.5 लाख रुपए कम में मिल जाएगी, 2-2.5 लाख कम में मिल जाएगी। बाकी 1 लाख रुपए से लेकर ये BMW मुझे नजर आ रही है, क्या रेट की होगी वैसे? ये 6.5 लाख की रेंज में आएगी। और नई गाड़ी,
ये नई गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख के आसपास। 45 लाख की गाड़ी महज 6 लाख रुपए मिल जाएगी, चली भी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई लोग का मन में रहता है कि भैया BMW होनी चाहिए, क्रेटा होनी चाहिए। आपके पास सारी गाड़ी है, मुझे लगता है कि कोई गाड़ी कोई कंपनी छूटी नहीं है। हाँ, ट्रेंड्स मेंटेन करके चलेंगे तो मार्केट में रह पाएंगे। बाकी नवरात्रि के लिए कोई ऑफर अगर चला रहे होंगे, कोई छूट वगैरह, कोई RTO और इंश्योरेंस फ्री है नवरात्रि में हमारा जी। नवरात्रि के 9 दिन अगर कोई खरीदी करते हैं तो ये इंश्योरेंस और RTO का जो है इश्यूज नहीं होगा? नहीं होगा बिल्कुल। बाकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएंगे और आपने बोर्ड भी देखा होगा उस पर आपको मिल जाएंगे। संपर्क करिए भिलाई, दुर्ग, रायपुर और छत्तीसगढ़ का, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक ही स्पॉट है जहाँ पे आपको पुरानी गाड़ियों का सबसे बड़ा मेला कह सकते हैं या फिर यूँ कहें सबसे बड़ा यार्ड कह सकते हैं।